अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री वाच डे मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री वाच डे मेथड पे बात करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आरडीपीज़ वाला जो मेथड है वो आज की वीडियो में नहीं होगा, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। क्योंकि मुझे जो है ना, एक तो अपना वो जो मेरा बैकअप बना हुआ था जिसमें वो सारी सेटिंग हुई हुई थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस डाउनलोड करके आईडीज़ डालनी थी और काम करना था, तो वो बैकअप मुझे मिल रहा नहीं है क्योंकि दोबारा से मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो इंशाल्लाह बैकअप में ढूंढ के तो फिर कोई आरडीपी अरेंज करके वो मेथड भी आप लोगों से मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो मेथड जो है वो है पेड। पेड से मुराद ये कि आपको उसके लिए आईडीज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, आप लोगों की कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज का जो हमारा मेथड है वो है फ्री वाच डे मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 600 के मिनट व्यूज़ पे। ठीक है, हमने 600 के मिनट व्यूज़ कंप्लीट करने होते हैं पेज के ऊपर। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें पेज मोनेटाइज करने के लिए 10,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं। ठीक है, 600 के मिनट व्यूज़ चाहिए होते हैं और 5 वीडियोस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो 10K फॉलोअर वाला मेथड तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग अगर बाय कर लें तो सबसे बेस्ट है, अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है फ्री वाच डे मेथड वाला, इसमें इंशाल्लाह आपके 10K फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो सकते हैं और 600 के मिनट व्यूज़ मतलब कि 6 लाख आपका वाच टाइम भी कम्प्लीट हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, और कमेंट करके आप लोगों ने लास्ट में बताना भी है कि आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा, क्योंकि हमारी इस कम्युनिटी के अंदर काफ़ी लोग न्यू भी हैं, काफ़ी लोग मतलब कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों का पता होगा। तो इसमें एक टॉपिक मैं ऐसा बताऊंगा जिसके बारे में उनको भी इंशाल्लाह नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 600 के मिनट व्यूज़ पे। ठीक है, एक बार आप लोगों को फिर मैं समझा देता हूँ कि जैसा कि आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि आप लोगों ने ऐसे क्राइटेरिया के अंदर आ जाना है, 10,000 फॉलोअर कंप्लीट करने हैं। जब 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए तो इस तरह ये फुल ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने 6 लाख मिनट व्यूज़ कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब इसके फॉलोअर्स कंप्लीट हैं, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे आप लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है रील्स वाला। ठीक है, आप लोग अपने पेज के ऊपर रील्स अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल में तो ईजिली आ जाता है, अगर कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आप लोग क्रिएटर स्टूडियो से कर सकते हैं। अब क्रिएटर स्टूडियो आप लोगों ने कैसे ओपन करना है, यहाँ पे आप लोग सर्च में क्रिएटर स्टूडियो लिखेंगे तो आप लोगों का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, तो ऐसे आप लोगों का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी पेज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज ओपन हो गया, यहाँ से आप लोगों ने पब्लिश में आना है, यहाँ से रील्स में आना है। ठीक है, और ये क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर आपकी जो भी वीडियो पड़ी होगी वहाँ से आप ओपन करके, जैसे कि ये वीडियो है इसको हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप टाइटल में कुछ भी इसका टाइटल लिख सकते हैं, टैग लिख सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ जो आती है वो है कंटेंट, कंटेंट कहाँ से लाया जाए। ठीक है, रील्स के लिए कंटेंट कहाँ से लाया जाए और कौन सा कंटेंट वायरल हो सकता है। ठीक है, ये इसकी मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने यूट्यूब ओपन कर लेनी है, जैसा कि ये मेरे पास यूट्यूब ओपन है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है शॉर्ट्स में। ठीक है, यहाँ से मैंने बंद किया हुआ ताकि कॉपीराइट ना। अब ये देखिए, ये शॉर्ट्स में ये जो वीडियो आ रही है ये काफ़ी वायरल वीडियो है। अब इसके देखिए 3.3 मिलियन सिर्फ इसके लाइक्स हैं। ठीक है, आपने चैनल ओपन कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने मेन चीज देखनी है कि उसका यहाँ से ये साइड पे शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम ना बना हो और फेसबुक ना बना हो। इट्स मीन कि इसका इंस्टाग्राम पे ये वाला कंटेंट अपलोड ना हुआ हो और फेसबुक पे अपलोड ना हुआ, इसका कोई पेज ना बना हुआ हो। देखिए इसका इंस्टाग्राम बना हुआ है इसलिए हम इसको रहने देते हैं, हम कोई और वीडियो देख लेते हैं। कंटेंट आपने कोई भी ऐसा फाइंड करना है जिसकी वीडियो चाहे किसी ने देख ली,
देखें इसका फेसबुक नहीं बना हुआ, इंस्टाग्राम भी नहीं शो हो रहा इधर ऊपर। उसके अलावा आप लोग यहाँ से अबाउट में आके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई फेसबुक लिंक नहीं है, इंस्टाग्राम लिंक नहीं है, ठीक है। कंटेंट कोई भी हो सकता है, पाकिस्तानी कंटेंट है, इंडियन कंटेंट है, यूनाइटेड स्टेट का है, यूके का, किसी भी कंट्री का है, बस वायरल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग उसके बाद आ गए यहाँ पे शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में आके आप लोगों ने पॉपुलर में आ जाना है। देखें इसकी वीडियो 51 मिलियन तक गई, ठीक है। इट्स मीन फॉर एग्जाम्पल कि ये चैनल हमें पसंद आ गया, ठीक है, ये कंटेंट हम निकालना चाह रहे हैं, ये इसकी वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी वीडियोस वायरल वाली पॉपुलर में जाके अपनी वीडियोस देखनी है कि इसकी वीडियोस कैसी हैं, वायरल इसकी हैं कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो ठीक है, ठीक है, तो हम ये चैनल का नाम आप कॉपी सबसे पहले करके आप फेसबुक पर एक बार सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च में आके सर्च करेंगे, इसका कोई फेसबुक पेज तो नहीं बना हुआ, क्योंकि मेन चीज़ है हमने फेसबुक पेज के ऊपर ही वीडियो अपलोड करनी है और इसका कोई पेज ना बना हुआ हो। यहाँ से आप पेज में आ जाएं, देखें इसका पेज तो और तो कोई नहीं बना हुआ, ये एक पेज है। इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर इसने रील्स डाली है या नहीं डाली, ठीक है, क्योंकि हमने रील्स यूज़ करनी है, इसका कंटेंट यूज़ करना है। तो जैसा कि ये इसका पेज तो बना हुआ है, लेकिन इसने रील्स वो वाली वीडियो वाली नहीं यूज़ की हुई, ये कोई और पेज है, आई थिंक कंटेंट कोई और है, ठीक है। तो आप लोग ये इस तरह का ये चैनल है, ये मतलब ठीक है रील्स अपलोड करने के लिए। आप इसको यहाँ से बुक मार्क कर लें या अपने पास इसका लिंक कॉपी कर लें। अब यहाँ से आपने फिर क्या करना है, अपने पेज के ऊपर आपने डेली 5 वीडियोस लगानी है, ठीक है। अब इस तरह इसको ओपन कर लें, यहाँ से लिंक बना के इसको कॉपी कर लें। यहाँ से कोई भी चैनल का नाम रख लें आप अपने पेज का। अगर आप लिंक कॉपी नहीं भी करते चैनल का, तो उससे आपको आप अपने पेज का नाम देखेंगे, आपको याद आ जाएगा कि ये वाला पेज था, पेज का नाम कॉपी करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये चैनल इजीली निकल आएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने पेज के ऊपर रील्स अपलोड करनी है और 5 रील्स अपलोड करनी है, ठीक है। 5 रील्स अपलोड करनी है और आपने एक पेज पे काम नहीं करना, ठीक है। आप कम से कम 10 पेजेस पे काम करें, 10 पेजेस पे काम करें और हर पेज के लिए अलग कंटेंट निकालें, ठीक है। जिसमें भी हमने ये एक कंटेंट निकाला, ये वाला, ये एक पेज के लिए होगा। इसी तरह आप और यहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चैनल ओपन करके चेक करें, इंस्टाग्राम बना हुआ, फेसबुक बना हुआ तो रहने दें, अगर नहीं बना हुआ तो ये चैनल भी आप लोग अपने पास नोट कर लें। इस तरीके से आप लोग 10 पेजेस पे काम करें, डेली 5 वीडियो अपलोड करें, डेली करनी है आपने, नागा नहीं करना, ठीक है। कम से कम आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना काम करें 10 पेजेस पे, इंशाल्लाह आपकी वीडियोस वायरल होंगी और खुद होंगी, ठीक है। आपने कोई शेयरिंग नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना। इसका प्रूफ आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से एक पेज हम निकाल लेते हैं अपना, ये हमारा एक पेज है, इसके हम रील्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसकी वीडियो अपलोड है, ठीक है। अब ये वीडियो इसकी जो अपलोड हुई है, आज अपलोड हुई है और इस पर 300 प्ले आए हैं, मतलब 300 व्यूज़ आए, 28 मिनट व्यू आए हैं। अब इसी तरह ये देखें, ये वीडियो भी आज अपलोड हुई है, 1200 व्यूज़, इसमें 2400 व्यूज़, इसमें 5000 व्यूज़, और जो हमें वॉच टाइम चाहिए होता है वो होता है मिनट व्यूज़, ये वाला मिनट व्यूज़, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, इसकी कोई वायरल वीडियो निकालते हैं। अब ये देखें, ये 2,43,000 पे इसके व्यूज़ गए हुए हैं और इसका मिनट व्यू आया 60,000, ठीक है। इट्स मीन कि इसका 60K वॉच टाइम आ गया, ठीक है। उसके अलावा हम और नीचे जाते हैं और ये वीडियो खुद वायरल हुई है, ठीक है। मैंने कोई शेयर नहीं किया, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जस्ट आपने 5 रील्स अपलोड करनी है डेली के हिसाब से। ये देखें, ये एक वीडियो तकरीबन 9 लाख पे गई हुई है। अब इसका जो वॉच टाइम आया वो तकरीबन 300 के आने वाला है, ठीक है, 2,99,000। मतलब कि आपका 50% वॉच टाइम सिर्फ ये एक वीडियो कंप्लीट करिए, अगर आपकी वीडियोस वायरल चली जाती हैं और 15-20 दिन आप 1 महीना काम करते हैं, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो आपका वॉच टाइम खुद ब खुद कंप्लीट होगा। इस तरह अगर आपके व्यूज़ आ जाते हैं और वॉच टाइम के साथ साथ आपके फॉलोअर्स भी होंगे कम्प्लीट, ठीक है। अब ये देखें, ये वीडियो मैंने कब अपलोड की है, 11 डेट को, ठीक है।
11 डेट को ये वीडियो अपलोड हुई है और आज क्या डेट है, 15 डेट है, मतलब 4 दिन पहले ये मैंने वीडियो डाली थी और आज ये 1 मिलियन पे पहुंचने वाली है। ठीक है, अभी इस पेज के मैं आप लोगों के फॉलोअर्स भी दिखाता हूँ, वॉच टाइम भी दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इस पेज की मैं आप लोगों की एक और वीडियो दिखाता हूँ जो बहुत वायरल गई है। ठीक है, ये देखें, ये 3 लाख पे गई हुई है। अब ये देखें, ये वीडियो जो है 45 मिलियन पे गई हुई है। ठीक है, और इसके सिर्फ वॉच टाइम जो आया हुआ है 14 मिलियन पे आया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो का वॉच टाइम। अब ये वीडियो अपलोड कब हुई है, 6 डेट को अपलोड हुई है, मतलब आज से आप 9 दिन पहले कह लें। ठीक है, 9 दिन पहले ही हमने वीडियो डाली थी और ये वीडियो इतनी वायरल हुई है कि इसने 14 मिलियन पे ये वॉच टाइम लेगी और इसके जो व्यूज़ आए हैं, प्लेज आए हैं, 45 मिलियन आए हैं। अब इनसाइड में आप लोगों को मैं जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब 1 से 15 डेट तक इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट डेट से 15 डेट तक 15 दिन का जो सिर्फ वॉच टाइम आया 21 मिलियन आया, और हमें सिर्फ 6 लाख चाहिए होता है। अब ये 21 मिलियन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके जो व्यूज़ आए हैं टोटल, ठीक है, सारी वीडियोज़ पे 15 दिन के अंदर 50 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं तरीका आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम करें तो आप लोगों का ये देखें वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया और 15,000 फॉलोअर आ गए इन 15 दिन के अंदर। देखें, फॉलोअर भी हमारे खुद कंप्लीट हो गए हैं और वॉच टाइम तो हमारा बहुत ही ज़्यादा चला गया। ठीक है, मतलब वॉच टाइम भी कम्प्लीट और फॉलोअर्स भी कम्प्लीट हैं। और तरीका क्या, हमने सिर्फ रील्स अपलोड की हैं, कोई शेयरिंग नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका है कि आप लोगों ने डेली 5 रील्स अपलोड करनी है, कंटेंट आप लोगों ने अच्छे से अच्छा निकालना है। अब कंटेंट का भी आइडिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कंटेंट किस तरह का ट्रेंडिंग में है, कौन सा कंटेंट आजकल वायरल जा रहा है, किस कंटेंट को आप सर्च करके उस तरह की रील्स आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मशीनरी वाला कंटेंट बहुत वायरल जाता है, उसके अलावा डाई थिंग्स, मतलब जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, लोहा पिघला के या कोई भी चीज़, उसके अलावा क्राफ्टिंग हो गया। अच्छा जी, व्लॉग हो गया, गेमिंग, कार्टून्स, स्केचिंग। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे दिए हैं कि इस तरह के कंटेंट जो है ना अच्छे खासे वायरल जाते हैं। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप फाइंड करें 10 पेजेस के लिए, ठीक है, डेली आप उस पर 5 वीडियो अपलोड करें, ठीक है, तो 15 या 20 दिन के अंदर आपकी वीडियोस इंशाल्लाह वायरल जाएंगी। आप लोगों ने काम डेली करना है, इसको टाइम ज़रूर देना है, और 15 से 20 दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेज भी कम्प्लीट हो जाता है जिसका 10,000 फॉलोअर और 6 लाख मिनट व्यूज़ कम्प्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया, फॉलोअर कम्प्लीट नहीं हुए, ठीक है, आप फॉलोअर बाय कर सकते हैं, वो 1500 से 2,000 के मिल जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ होती है वॉच टाइम, क्योंकि वॉच टाइम नहीं मिलता, अगर बाय भी करें ना तो उससे पेज अप्रूव नहीं होता, पैनल वाला जो वॉच टाइम लोग सेल करते हैं, ठीक है, उससे आपका पेज मोनेटाइज भी नहीं होता, क्योंकि वो पैनल व्यूज़ आईडीज़ वाले व्यूज़ होते हैं, उस पर 80% चांस होते हैं कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, 20% चांस होते हैं। और इस तरीके से अगर आपका वॉच टाइम और फॉलोअर कंप्लीट होते हैं तो आपके 80 से 90% चांस होते हैं आपके पेज अप्रूव होने के। ठीक है, एक तो ये मेथड है। अच्छा, आपने कंटेंट निकाल लिया, वीडियोज़ डाउनलोड कर ली, उसके अलावा आप लोगों को ये मैंने लाइव भी दिखा दिया कि कैसे ये वीडियोज़ इसकी वायरल जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैंने समझा दिया कि आप लोगों ने रील्स कैसे डालनी है। ठीक है, पब्लिश में आके आप लोगों ने क्रिएटर स्टूडियो में आके पब्लिश में आके रील्स में आना है, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप लोगों ने ऐसे फॉर एग्जांपल ये रील्स है, इस पर हमने क्लिक किया, तो इस तरीके से आप लोग रील्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आए दूसरे कंटेंट पे, एक तो आपको मैंने ये रील्स वाला तरीका सिखा दिया जिससे आपके 10K फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सकता है। तो जब आपके 10K फॉलोअर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपने 5 वीडियोस डालनी है, और उसके बाद आपका ये वाला जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका इसके आगे ये सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये ऑप्शन आ रहा है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे पेज को मोनेटाइज करना है, कैसे इसमें बैंक डिटेल्स लगाते हैं, ठीक है, तो कैसे पेज मोनेटाइज होते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे वीडियोज़ आएंगी कि आप लोग मोनेटाइज पेज से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया रील्स वाला। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है जी ड्रामे वाला। ठीक है, अब ड्रामे कौन से हैं, देखिए आपने वीडियोस वो डालनी होती हैं जो ट्रेंडिंग में होती हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि अगर कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है तो आप अपने पेज के वो वाली न्यूज़ डालें। ठीक है, तो उस तरह के 4-5 ग्रुप्स में शेयर कर दें, फ्री ग्रुप्स आप निकाल लें जिसमें पोस्टें हो सकें,
में शेयर करें तो समटाइम वीडियो वायरल चली जाती है और आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने लगा हूँ वो बहुत ही टॉपिक ट्रेंडिंग में है और लोगों को इसका पता भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, इंडियन ड्रामास पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों टॉपिक पे रिस्क है। रिस्क ये है कि स्ट्राइक आती है, आपका पेज ख़राब हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने जा रहा हूँ इस पे आपको कोई स्ट्राइक नहीं आती, ठीक है, आपका कोई पेज ख़राब नहीं होता। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी ड्रामा। ड्रामा तो तुर्की का है लेकिन पाकिस्तान में बहुत वायरल जाता है, ठीक है, बहुत लोग देखते हैं। कुर्लुस उस्मान ड्रामा है, ठीक है। इसका अभी जो चल रहा है सीज़न 4 चल रहा है, ठीक है। सीज़न 4 की आप एपिसोड जो फॉर एग्जांपल आज अगर 21 एपिसोड आई है, कल 22 आएगी, तो कल शाम को 6 बजे एपिसोड आती है, 7 बजे आती है, उस टाइम पे आप बैठ जाएं, कोशिश करें सबसे पहले वीडियो डालें, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक पेज दिखा देता हूँ अपना पेज, जिसमें हमने काम भी किया है। अच्छा, ये जो पेज है हमने इस पे रील्स पे रील्स तो नहीं डाली लेकिन पूरी पूरी एपिसोड्स डाली हैं, ठीक है। जैसा कि ये पेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये कॉपीराइट तो दिखा रहा है, ठीक है, कि वीडियो कॉपीराइट है, लेकिन इस पेज पे कोई LOC नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है ये, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर से आप लोग पेज भी देख सकते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो के नाम से ये पेज है, इस पे कॉपीराइट आया हुआ है, शो तो कर रहा है लेकिन LOC नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाके दिखा भी देता हूँ, शायद आप लोग कह रहे हो कि मैं दिखा नहीं रहे। ये देखें जी, इस पे कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है। अब इस पे ये देखें, ये आज का एपिसोड भी इसमें डला हुआ है, जिसमें सीज़न 4 और 21 एपिसोड है। ये मेरा छोटा भाई काम कर रहा है इस पे, और इस पे देखें, इस पे आपको एक बड़ी चीज़ मिलती है। इसमें अगर आपकी व्यूज़ कम भी आते हैं ना, तो आपका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा आता है। अब वॉच टाइम कैसे ज़्यादा आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि वॉच टाइम होता है मिनट व्यूज़, ठीक है। मिनट व्यूज़ से मुराद ये कि आपकी वीडियो कितने मिनट देखी जा रही है, और रील्स तो आपकी कुछ सेकंड की होती है, वो तो कम देखी जाती है, इसलिए 2 मिलियन व्यूज़ होते हैं तो आपका 6 लाख वॉच टाइम कम्प्लीट होता है। लेकिन इसमें अगर आपके 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये वीडियो है, ये इसके हमारे व्यूज़ आए हुए हैं 3,000, ठीक है, 3,000 इसके व्यू आए हुए हैं, लेकिन वॉच टाइम देखें कितना आया हुआ है, 27,000। ये आज की वीडियो है, और ये देखें ये कब अपलोड हुई थी, 6 बजे, ठीक है, मतलब कि लास्ट नाइट ये वीडियो अपलोड हुई है 6 बजे, और अभी 1 हुआ है, ठीक है। तो इसका 27,000 मिनट व्यूज़ आ गया, और इस पेज का वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है 7 से 8 दिन के अंदर, और ये बिल्कुल फ्रेश पेज था, 0 फॉलोअर थे, ठीक है। इसके फॉलोअर तो इतने नहीं है लेकिन वॉच टाइम कम्प्लीट इसका हो गया था 7 दिन के अंदर। अब ये देखें, ये एपिसोड 13 डेट को डला था, आज 15, ठीक है, ये 14 को डला था आई थिंक, तो इसका 15,000 वॉच टाइम आया हुआ है, 2,000 व्यूज़ थे। अब इसमें मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ। अब ये वीडियो देखें, ये वीडियो 10 डेट को हमने अपलोड ये वाला एपिसोड किया था, और ये वीडियो हमारी थोड़ी बहुत वायरल गई थी, ज़्यादा वायरल नहीं गई है, 12,000 इसकी व्यूज़ थी, और इसका जो वॉच टाइम आया हुआ है 1,60,000 वॉच टाइम आया हुआ है, ठीक है। देखें हर वीडियो पे, मतलब कि अगर 2,000 हमारे व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो हमारा 20,000-25,000 वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है। और अगर आपकी कोई वीडियो अच्छी वायरल हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप इस पेज पे काम करते हैं, इस तरह के पेज पे आप 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन में अगर आपकी एक वीडियो अगर अच्छी निकल गई, तो वो एक वीडियो आपकी क्या आपका 2 लाख 3 लाख क्या आपका, वो एक वीडियो ही आपका 6 लाख वॉच टाइम कम्प्लीट कर दे, अगर 40-50,000 व्यू आ जाते हैं। अगर आपके व्यूज़ भी 4,000-5,000-10,000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ 30,000-40,000-50,000 वॉच टाइम दे देगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 वॉच टाइम आपको एक दिन में देती है, ठीक है, तो 6 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, आपका वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये कुल्लू उस्मान वाला टॉपिक ऐसा है, इस पर कोई स्ट्राइक नहीं आती, आपका पेज ख़राब नहीं आता, ना ये लोगों को इतना पता है, ठीक है। तो आप इस ड्रामे पे, इस टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ से सर्च में जाके कुल्लू उस्मान, कुल्लू उस्मान लिख के यहाँ पे इसके ग्रुप्स में आ जाएं, यहाँ से आप इसके ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स निकालें जिनमें पोस्टिंग हो जाती हैं, ठीक है। ये ग्रुप है, इसमें आप पोस्ट करके चेक कर सकते हैं, बल्कि ये तो हमारा अपना ग्रुप है। अच्छा जी, ये बाकी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको आप ओपन करें, इस तरह इनमें पोस्ट करें, अगर तो पोस्ट हो जाती है, इसका लिंक कॉपी कर लें, एक आईडी के अंदर आप इस तरह के 4 से 5 ग्रुप ज्वाइन करें, जब आप एपिसोड अपलोड करें तो इसके अंदर शेयर कर दें। अच्छा जी, ये हमारा अपना ग्रुप है, ये मेरा छोटा भाई काम करता है इस ड्रामे के ऊपर। तो इस ग्रुप के अंदर पहले 20 जो मेंबर होंगे उनको मैं प्री अप्रूवल एक्सेस दे दूंगा, इट्स मीन के उनकी पोस्ट अप्रूवल पे नहीं जाएगी, ठीक है, तो उनको मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा, वो लोग यहाँ पे अपनी डेली की एपिसोड यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस ड्रामे के अलावा
कोई पिक्चर कोई वीडियो आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी, वरना आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये दो टॉपिक थे, एक रील्स वाला और एक और लोस उस्मान वाला, जिन पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आती। LOC इस पे आता है, वो भी तब आता है अगर फेसबुक का कोई पेज बना हुआ हो या इंस्टाग्राम का बना हुआ हो। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बता दिया कि इसका पेज नहीं होना चाहिए फेसबुक पे, फेसबुक से इसका चैनल लिंक नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका कॉपीराइट रील्स में ना आए। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने नोटिस में रखनी है, इन दो कंटेंट पे आप लोग काम करें। इस कंटेंट से आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है ये भी आपका बहुत जल्दी वायरल होता है। रील्स तो आजकल ट्रेंडिंग में आप वैसी रील्स डाल देते हैं तो आपको 500,000 व्यूज नॉर्मल आ जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे अगर आप लोग कंटेंट निकालते हैं अच्छा देखने वाला, तो आपकी वीडियोज़ भी इसी तरह जिस तरह हमारे एक पेज की गई हुई है तकरीबन 45 मिलियन पे, आप लोगों की वीडियोज़ भी जा सकती हैं और वॉच टाइम क्या पता आपका हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर आज आपकी वीडियो वायरल होती है, कल आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि अपडेट एक दिन बाद होते हैं। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपके फॉलोअर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने ये ग्रुप भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, इसमें पहले 20 जो मेंबर होंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करना है जिन लोगों को ये प्री अप्रूवल एक्सेस चाहिए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने कमेंट करना है, उन 20 बंदों को मैं इंशाल्लाह फ्री प्री अप्रूवल एक्सेस दूंगा। आप लोग यहाँ पे वीडियो शेयर कर सकते हो। तो जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है RDPs वाला, वो जो रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों को मैं वीडियो बना के समझाऊंगा। ठीक है, A to Z आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास RDP नहीं थी और उसके अलावा मुझे वो अपना बैकअप भी नहीं मिला। वो इंशाल्लाह मैं ढूंढ के तो आप लोगों को वो भी मैं दे दूंगा, समझा दूंगा। तो आप लोग इस पे काम करें, रील्स पे काम करें, डेली अपलोड करें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है, मतलब व्यूज़ मिलते हैं, वॉच टाइम फॉलोअर कंप्लीट होते हैं, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।